रायगढ़ में विधायक के बेटे की थाने में दबंगई सामने आई है। विधायक के बेटे ने इस वारदात को दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। एमएलए का बेटा होने के रौब कोतरा रोड थाने के अंदर घुसकर आरक्षक को पीटकर उसकी वर्दी फाड़ दी गई। वहीं ट्रक ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई। नारायणपुर जिले में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक अपने तीन दोस्तों के साथ ग्राम बेचा में मड़िया नाचा देखने गया हुआ था। दो दिन बाद उसका शव बरामद किया गया। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है। मृतक की पहचान मुकेश नाग के तौर पर की गई है। कोरबा जिले के राजगमार क्षेत्र में एसईसीएल की खदान के पास से पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को खबर मिली कि यहां एक कबाड़ चोर सक्रिय है। दल बल के साथ पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भाग खड़े हुए, लेकिन मौके में कबाड़ से भरी पिकअप छोड़ गए, जिसे जब्त कर लिया गया है। बिलासपुर के सिपत थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत मटियारी में सरकारी मद से 5,54,100 रुपए गबन करने वाले आरोपी पंचायत सचिव उत्तरा कुमार सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुर्म दर्ज होने के बाद से आरोपी सचिव 8 माह से फरार था। पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच चेन्नई सिटी तमिलनाडु से सूचना प्राप्त हुई कि तमिलनाडु का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अपने दो अन्य सहयोगी के साथ गाड़ी संख्या 12151 में समर सत्ता एक्सप्रेस के कोच संख्या A2 में LTT से सालीमार तक यात्रा कर रहा है। सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल रायपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर, अपराध गुप्तचर शाखा रायपुर एवं मंडल टास्क टीम रायपुर की तीन टीम ने आरोपी को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गांजा तस्करी करते दो गांजा तस्कर बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पिकअप में गांजा लेकर तस्कर बिक्री करने बड़ौदा बाजार जा रहे थे। तस्कर से 100 किलो गांजा और वाहन जब्त किया गया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर पेंडर जिले के रहने वाले हैं। बिलासपुर शहर में एक तरफ दोपहिया वाहन चोरों के हौसले बुलंद है, वही पुलिस प्रशासन भी इस पर लगाने हेतु कमर कसे हुए है। इस सिलसिले में पुलिस को कामयाबी मिली है और दोपहिया चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कांकेर जिले के रावगढ़ थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया गया कि दोनों महुआ बीनने के लिए जंगल गए हुए थे। इसी दौरान पति पहले फांसी पर झूल गया, जिसके बाद पत्नी घर गई और वह भी फंदे पर झूल गई। अंबिकापुर कापू पत्थल गांव मुख्य मार्ग में ताल गांव के समीप शनिवार दोपहर एक सड़क हादसे में अंबिकापुर के अधिवक्ता गुदरी चौक निवासी रितेश वर्मा की मौत हो गई। हादसे में उनके चाचा सेवानिवृत्त शिक्षक श्याम नारायण वर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पत्थल गांव से वापस लौट रहे थे। बिलासपुर के सिपत थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। उससे रेप किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक 50 साल के शख्स ने किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन में गांजा की तस्करी जारी है। जोनल स्टेशन बिलासपुर में जांच के दौरान पूरी ऋषिकेश नगरी उत्कल एक्सप्रेस से RPF और GRP की टीम ने 9 किलो 950 ग्राम गांजे के साथ ओडिशा के एक यात्री को गिरफ्तार किया है। यह यात्री बनकर गांजा की तस्करी करता था, जब गांजे की कीमत 50,000 रुपए है। रायगढ़ जिले की छाल पुलिस द्वारा जुआ फड़ पर रेड कार्रवाई की गई। चूकी मार के मुर्गी फार्म के पास जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को पकड़ा गया। जुआरी के पास से 6,900 रुपए की रकम जब्त की गई है। आरोपी मोमबत्ती की रोशनी में जुआ खेल रहे थे। कवर्धा जिले की बोडला पुलिस ने शनिवार को 20 लाख रुपए के गांजे के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पहली बार ट्रैक्टर ट्रॉली में गांजे की तस्करी की जा रही थी। तस्करी के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को मॉडिफाई कर गुप्त चेम्बर बनाया गया था, ताकि पुलिस को चकमा दे सके।
कांकेर जिले के सीमा पर महाराष्ट्र गढ़चिरौली में नक्सली ने मुखबिरी का आरोप लगाकर दो ग्रामीणों की हत्या कर दी। ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या करने के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी फेंका। पुलिस ने ग्रामीणों का शव को बरामद कर लिया है और मृतकों की पहचान भी कर ली है। जसपुर जिले के पत्थल गांव में घर के बाहर खड़ी स्कूटी बाइक को चोरी करने वाले आरोपी को पत्थल गांव पुलिस ने बूढ़ा डार से गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद जिले के तुमगांव राष्ट्रीय राजमार्ग 53 ग्राम अमवास के पास शनिवार को पेट्रोलियम कंपनी के खाली टैंकरों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर का चक्का जलकर खाक हो गया। वहीं हादसे में जनहानि नहीं हुई है। सरकारी गाड़ी की नीलामी के बाद बिना नंबर बदले गांजा तस्करी करते पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा है। उनसे करीब 1 लाख का 10 किलो गांजा और कार जब्त की गई है। वाहन चेकिंग के दौरान जब महासमुंद जिले की टोहलू पुलिस ने ओल्ड मारुति कंपनी की कार में सरकारी नंबर देखा तो शक हुआ और तलाशी ली। बालोद जिला के पुलिस सहायता केंद्र पुरूर की टीम ने ओडिशा से बाइक में गांजा ले जाते दो आरोपी को गिरफ्तार कर 3,60,000 रुपए की 18 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपियों को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। कोंडागांव जिले में नाबालिग का दुष्कर्म करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक नाबालिग को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर इसे भगाकर मध्य प्रदेश लेकर चला गया, जहां शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा। स्वयं को रेलवे लाइन का वाहन चालक बताते हुए शिक्षित बेरोजगार युवक से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 3.25 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को कोंडागांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटपाट के मामले में जेल से जमानत में बाहर निकलने के बाद आरोपी युवक चोरी करने लगा। बिलासपुर की सीपत पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में ग्राम नकपुरा में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 4 लोगों को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी ट्रांसफार्मर को खंभे से नीचे उतारकर ऑटो में लोड कर भागने के फिराक में थे। पुलिस ने ट्रांसफार्मर, ऑटो और प्रयुक्त सामानों को तांबा और तार जब्त किया है। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में एक युवती के लापता हो जाने का ताजा मामला सामने आया है, जहां व्यथित परिजनों ने पुलिस के समक्ष गुमशुदगी का आवेदन प्रस्तुत कर गुहार लगाई है। वहीं थाना प्रभारी ने भी मामले को गंभीरता को समझते हुए लापता युवती की खोजबीन शुरू कर दी है।